अलमेकम सो so, आज हम करने जा रहे हैं अपना बारवा लेक्चर अभी तक हमने जो लास्ट टाइम बात की अपने ग्यारहवें और दसवें लेक्चर के अंदर वो हमने डिस्कस की थी टेक्सोनोमीज जिसके अंदर हमने बात की ब्लूम्स टेक्सोनोमी की फिर हमने सेम्सन टक्सोनोमी ऑफ साइकोमोटल डोमेन भी की और इसके अलावा हमने बलूम और क्राथोल टेक्सोनोमी ऑफ अफेक्टिव डोमेन भी की इन टेक्सोनोमीज के करने के बाद हमें कुछ अंदाजा हो गया है कि जब हम अपने ऑब्जेक्टिव्स बनाए तो उसके अंदर हमने फोकस किन चीज़ों के ऊपर करना है तो आज का जो हमारा लेक्चर है ये उसी की ही एक्सटेंशन में है अगरचे कि आज के लेक्चर के अंदर वी विल नॉट बी टॉकिंग अबाउट टेक्सोनोमीज बट वी विल बी फोकसिंग ऑन हाउ टू राइट परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव नो दो ब्रॉडर टेक्सोनोमीज एक नज़र डाल लेते हैं अपने आज के लेक्चर के ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर सो बाय द एंड ऑफ द लेक्चर

एक हिंट आपको दे देती हूँ कि ये क्लियर नहीं है अगला है द लर्नर्स विल यूज वर्ब्स इन सेंटेंसेस ये भी क्लियर नहीं है नेक्स्ट वन द लर्नर्स विल राइट आर लेटर ये तो काफी क्लियर लग रहा है सोचें कि क्या ये क्लियर है या नहीं है नेक्स्ट वन इज द लर्नर्स विल आइडेंटिफाई डिफरेंसेस बिटवीन पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन नाइनटीन एंड नाइनटीन ये तो बहुत ही क्लियर लग रहा है बच्चों ने डिफरेंसेस आइडेंटिफाई करने हैं पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन में बना और जो कि अगला देखते हैं Again, ये बहुत क्लियर लग रहा है द लास्ट वन इज द लर्नर विल ड्रॉ एंड लेबल ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम मुझे तो ये भी क्लियर लग रहा है मेरी तरह और बहुत सारे लोगों को भी ये ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर लग रहे होंगे और हो सकता है कि कुछ ऑब्जेक्टिव क्लियर ना लग रहे होंगे आज का जो लेक्चर हमारा बाकी का है उसकी रोशनी के अंदर अभी आपने तो नहीं देखा लेकिन मैंने प्रिपेयर किया है आई नो जो कुछ बाकी हम प्रेजेंट करने जा रहे हैं उसके उस सारे कंटेंट की मौजूदगी के अंदर एक्चुअली इनमें से कोई भी ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं है ये थोड़ी देर के बाद देखेंगे कि ये क्यों क्लियर नहीं है इससे पहले हम देख लेते हैं के राइटिंग हाउ टू राइट परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव बाय द वे व्हाट आर ऑब्जेक्टिव्स? इसको हमने शुरू में आइडेंटिफाई किया भी था डिफाइन भी किया था इसको दोहरा लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव होते क्या है ऑब्जेक्टिव आर इंटेंट ऑफ टीचिंग मैं पढ़ाने जा रही हूँ और मेरा जो इरादा है जो मैं चाहती हूँ कि बच्चे जो हैं पूरे लेसन तक कर पाएंगे या कर लेंगे दैट इज ऑब्जेक्टिव देखते हैं कि मेंस ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव आर प्रिज स्टेटमेंट ऑफ वट यू एक्सपेक्ट स्टूडेंट टू डू इसको जरा कंपेयर करें जो ऊपर मैंने डेफिनेशन लिखी है दैट इज ऑफ ऑब्जेक्टिव इज टू कम्युनिकेट द एग्जैक्ट इंटेंट ऑफ अ लेसन परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करते हैं दे आर प्रिज स्टेटमेंट ऑफ वट यू एक्सपेक्ट स्टूडेंट्स टू डू ये दोनों कैसे डिफरेंट है दोनों में ही इरादा है कि आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं बच्चों से आपका क्या इरादा है कि बच्चे लेसन के बाद क्या करने के काबिल हो जाएंगे फर्क कहाँ है फर्क इस बात के अंदर है कि एग्जैक्ट इंटेंट तो आप बता रहे हैं लेकिन वो स्टूडेंट्स का उसके अंदर काम करना जाहिर नहीं हो रहा यहाँ पे जो की वर्ड है परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव के लिए दैट इज प्रिसाइज स्टेटमेंट प्रिसाइज स्टेटमेंट मीन एग्जैक्ट स्टेटमेंट जो कि आपको बताए कि बच्चा ये कुछ कर सकेगा इसको और आगे देखते हैं ज्यादा डिटेल के अंदर एक्सप्लोर करेंगे इस वक्त में बात करते हैं कि जो परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव होते हैं उनके थ्री करेक्टरिस्टिक्स होते हैं एक तो ये कि उनके अंदर परफॉर्मेंस के ऊपर बात होती है कि कौन सी परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम सेकेंड उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज होती है दैट इज कंडीशन थर्ड इज क्राइटेरियन मयर इन थ्री एलिमेंट्स को ज्यादा एलेबोरेट करते हैं कि परफॉर्मेंस स्टेटमेंट इज एन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर और परफॉर्मेंस ऑन द पार्ट ऑफ द लर्नर इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज ये है वो ये नहीं आप लिखेंगे कि उस्ताद बच्चों को पढ़ाएगा या बच्चों को मुतारफ करवाएगा आमतौर के ऊपर लिखा जाता है कि स्टूडेंट्स विल बी टॉट अबाउट वर्ब्स नाउंस एंड एडजेक्टिव्स जो परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव है दैट इज ऑलवेज स्टूडेंट ओरिएंटेड दिस इज स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जर्वेबल बिहेवियर और परफॉर्मेंस ऑन पार्ट ऑफ द लर्नर यू कैन नॉट राइट ये करेगा बल्कि आपको ये लिखना है बाय द एंड ऑफ द लेसन लर्नर्स विल बी एबल टू डू दीज थिंग्स तो परफॉर्मेंस स्टेटमेंट के अंदर एक तो ये जो बात है कि ये स्टूडेंट ओरिएटेड होनी चाहिए और सेकेंडली की इट शुड बी वेरी प्रिसाइज वहाँ पे आपको एग्जैक्ट वो वर्ड लिखा हुआ नजर आए जो कि शो करता है कि आप बच्चे से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं सो दे आर स्टेटेड विथ एक्शन वर्ड्स एक्शन वर्ड्स कौन से होते हैं आपने पढ़े होंगे अंग्रेजी के लेसन में बहुत पढ़े होंगे उर्दू में बहुत पढ़े होंगे एक्शन वर्ड्स क्या होते हैं राइट क्लासीफाई right. अगर मैं ये कहती हूँ कि अ चाइल्ड चाइल्ड विल बी एबल टू अंडरस्टैंड डिफ्रेंसेज बिटवीन

तो जो वो बच्चा क्लासीफाई कर रहा है दैट इज एन एक्शन वर्ड कि बच्चा वो एक्शन ले रहा है सो वेन एवर वी आर गोइंग टू राइट परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव वी नीड टू एंश्योर दैट वी यूज एक्शन वर्ड टू डिस्क्राइब द परफॉर्मेंस आगे चलते हैं ये देखने के लिए कि कंडीशन से क्या मुराद है सो कंडीशन इज अ डिस्क्रिप्शन which इज ऑफ द परफॉर्मेंस एक्चुअली

सो so वेन का मतलब जब हम ये कोई भी लेसन बनाते हैं लेसन प्लान बनाते हैं उसमें ऑब्जेक्टिव लिखते हैं बाय द एंड ऑफ द लेसन तो ये वेन को एक्चुअली एड्रेस कर रहा होता है कि ये ये नहीं है कि साल के बाद बच्चा करेगा या एक हफ्ते के बाद करेगा बल्कि राइट आफ्टर द लेसन या ड्यूरिंग द लेसन ये कर चुका होगा सो so आपको में जितने भी हमारा कोर्स चल रहा है इसमें हर सेशन के अंदर मैं आपको शुरू में दिखाती हूँ लेक्चर ऑब्जेक्टिव लिखे हुए उसमें लिखा होता है बाय द एंड ऑफ द लेक्चर यू विल हैव डन थिंग्स सो वो उसके ऊपर जो स्टेटमेंट लिखी होती है बाय द एंड ऑफ द लेक्चर वो इसी कंडीशन के हवाले से है ताकि पता चले कि ये कब अचीव करना है अगली बात यहाँ पे लिखी हुई है हाउ कोई भी काम अगर बच्चे कर रहे हैं तो उसके अंदर कई खास तौर पे अगर आपके पास साइको मोटर डोमेन के अंदर कोई ऑब्जेक्टिव है सो यू नीड टू इंश्योर हाउ चाइल्ड इज गोइंग टू डू दैट थिंग उसका तरीका कार भी होगा चले साइकोमोटर डोमेन के अलावा अफक्टिव डोमेन की भी बात कर लेते हैं तो उसके अंदर आपने ये बताना है कि बच्चा क्या इंडिपेंडेंटली काम करेगा या ग्रुप के साथ मिलके करेगा या एक पेयर के साथ करेगा ये ये भी है कि आप बता रहे हैं कि हाउ चाइल्ड इज गोइंग टू अचीव दोज परफॉर्मेंसेस कि आप वो एक्सपेक्टेशन पर कैसे पूरा उतरेगा फिर इसी तरीके से वेयर आपके लिए ये भी ज़रूरी है कि बताएं खास तौर पे साइकोमोटर डोमेन के हवाले से कि वेयर अ चाइल्ड इज गोइंग टू तो शो दैट पर्टिकुलर परफॉर्मेंस अगर आपके पास आ, आप साइंस का काम करवा रहे हैं तो आपका एक परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव यह है कि बाय द एंड ऑफ द लेसन स्टूडेंट्स विल बी एबल टू तो क्लीन देयर ऑपरेटर्स एंड पुट देम बैक ऑन द रेलिट रैक्स तो यहां पर आगे आपको लिखना है इन द लेबोरेटरी अब वेयर जो है लेबोरेटरी आपको एड करना जरूरी है ताकि एग्जैक्टली exactly पता हो कि ये वाली परफॉर्मेंस आप किस जगह के ऊपर एक्सपेक्ट कर रहे हैं सो राइटिंग परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव इज क्वाइट ट्रिकी इट्स नॉट वेरी सिंपल आप एक सिंपल स्टेटमेंट अगर दे दें परफॉर्मेंस स्टेटमेंट उससे कतन जाहिर नहीं होता कि आपने परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव अच्छे लिख लिए हैं उसके उसका मतलब ये होता है कि आपने परफॉर्मेंस स्टेटमेंट तो लिख ली है लेकिन आपने कंडीशन जो है उसको आइडेंटिफाई नहीं किया आखिरी चीज के ऊपर चलते हैं जो कि एलिमेंट है परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव का दिस इज राइट क्राइटेरियन आपने वहां पे मिनिमम क्राइटेरियन भी लेबल करना होता है दैट इज मिनिमली एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ परफॉर्मेंस ऑन द पार्ट ऑफ द लर्नर्स आप अगर लिख लेते हैं बाय द एंड ऑफ द लेसन स्टूडेंट्स विल बी एबल टू नेम डिफरेंट प्लांट्स एक बच्चा आपको चार नाम बता रहा है एक बच्चा पांच बता रहा है एक दस बता रहा है आपके लिए मिनिमम एक्सेप्टेबल चीज क्या है पांच दस आठ सात तो आप जब भी ऑब्जेक्टिव लिखेंगे यू नीड टू आइडेंटिफाई दैट मिनिमम एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ परफॉर्मेंस के कम अज कम हर बच्चा उतना तो कर सके उससे ज्यादा हो जाए दैट्स वेल एंड गुड लेकिन उससे कम नहीं होना चाहिए सो एक्चुअली वेन यू राइट परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव यू एंश्योर दैट देर इज अ परफॉर्मेंस स्टेटमेंट देर इज एन एलेबोरेशन ऑफ कंडीशन एंड देन देर इज अ क्राइटेरियन परफॉर्मेंस क्राइटेरियन दैट इज मिनिमल क्राइटेरियन अब हम इन्हीं एग्जाम्पल्स को जो कि हमने पहले लिखी थी परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स के हवाले से उनको देखते हैं और इसके ऊपर एलाबोरेट करते हैं कि ये चीजें लिखने किस हद तक जरूरी हैं बाय द एंड ऑफ द लेसन इसमें आप शुरू में देखें कि ये वाली मैंने कंडीशन लगा दी है कि ये जितने भी ऑब्जेक्टिव्स होंगे दे वुड बी अचीवड आफ्टर द लेसन अब लेसन का जब आप टाइम लिखेंगे मे बी योर टाइम इज ट्वेंटी मिनट्स किसी और लेसन का 30 मिनट्स है किसी लेसन का फिफ्टी मिनट है किसी का एक घंटा किसी का डेढ़ घंटा वो आप टाइम शुरू में मेंशन करेंगे लेकिन आपको ये जरूर लिखना है कि बाय द एंड ऑफ द लेसन हम बात करते हैं पहले मैंने आपको दिखाया था एक ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ जिसमें था कि द लर्नर्स विल ड्रॉ आर राइट एंगल ट्राई और मैंने कहा था कि इसको आइडेंटिफाई करें क्या यह क्लियर ऑब्जेक्टिव है या नहीं और फिर मैंने ये कहा कि वो क्लियर नहीं था इसको देखें और ये पुराने वाले ऑब्जेक्टिव को सोचें इनमें क्या फर्क है यहां पे मैंने लिखा है द लर्नर्स विल ड्रॉ अ राइट एंगल ट्राई एंगल मीटिंग रेशियो थ्री फोर फाइव की वर्ड्स क्या है इसके अंदर हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द सिंपल ऑब्जेक्टिव से लर्नर्स विल ड्रॉ अ राइट एंगल ट्राई एंगल बहुत वाजे फर्क है कि इसके अंदर आपने एक तो कंडीशन शुरू में लगाई कि बाय द एंड ऑफ द लेसन दूसरी कंडीशन ये है कि विद अ प्रोटेक्टर कंपस के साथ बच्चा नहीं कर रहा या खाली फुट रूलर यूज करके नहीं कर रहा रादर अ चाइल्ड इज यूजिंग अ प्रोटेक्टर तो कंडीशन ये भी लगाई है कि विद वट विद अ प्रोटेक्टर और मिनिमम क्राइटेरियन एक्सेप्टेबल क्राइटेरियन क्या है मीटिंग रेशियो थ्री फोर फाइव के जो ट्राइंगल हो उसकी एक साइड थ्री हो दूसरी साइड फोर हो तीसरी साइड फाइव हिसाब में या मिलीमीटर के हिसाब से ये टीचर को तय करना है कि वो बच्चों को क्या काम दे रही है लेकिन उसने ये वाली रेशो जो है वो चाहती है कि बच्चा जब भी राइट एंगल ट्राई एंगल बनाए इस रेशो के हिसाब से उसकी साइड्स बनाए सो यू नीड टू आइडेंटिफाई क्राइटेरियन यू नीड टू आइडेंटिफाई कंडीशन द परफॉर्मेंस इसके अंदर एक और कीजिएगा और चीज जो एक्शन वर्ड है वो कौन सा यूज हुआ है ड्रॉ सो परफॉर्मेंस स्टेटमेंट इज क्लियर बिकॉज इट हैज़ मेड यूज ऑफ एन एक्शन वर्ड दूसरी इसमें जो क्लियर है वो कंडीशन है तीसरी इसमें क्राइटेरियन है आगे चलते हैं द लर्नर्स विल राइट अ 200 हंड्रेड टू टू फिफ्टी वर्ड्स लेटर विद एन अप्रोप्रिएट फॉर्मेट टू अ फ्रेंड इंडिपेंडेंटली अगर हम इसको देखें इसको भी ब्रेक डाउन करते हैं इसको एनालाइज करते हैं कि ये वाला ऑब्जेक्टिव क्या परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव है या नहीं ट्रूली इट इज अ परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव इसलिए पहली चीज ये है कि इट हैज यूज एन एक्शन वर्ड दैट इज राइट राइट अ लेटर अब आगे जो लेटर है इसके अंदर मिनिमम एक्सेप्टेबल लेवल बताया गया है कम अज कम टू हंड्रेड टू 250 वर्ड्स होने चाहिए उस लेटर के अंदर और साथ में अप्रोप्रियट फॉर्मेट भी फॉलो करें जो कि उस्ताद ने सिखाया है कि ये प्रॉपर फॉर्मेट है इसके ऊपर आपने लेटर लिखना है सो अप्रोप्रिएट फॉर्मेट फॉलो करना है और दूसरा 200 से 250 वर्ड्स के दरम्यान लेटर लिखना है सो दीज आर द मिनिम एक्सेप्टेबल क्राइटेरिया फिर कंडीशन इसमें क्या लिखी हुई है इनडिपेंडेंटली कि बच्चा जो है किसी के साथ फ्रेंड्स के साथ मिलके नहीं करना अगर आपका ख्याल है कि ये मिलके करना है तो आप लिख दें टू आ फ्रेंड इन पेयर्स और अगर ग्रुप्स में करवाना है तो लिख दें टू आ फ्रेंड इन ग्रुप्स मतलब यह है कि कंडीशन होनी चाहिए कंडीशन इंडिपेंडेंटली जरूरी नहीं है ज़रूरत इस बात की है कि यहाँ पर एक कंडीशन होनी चाहिए सो so, इसके अंदर एक्शन वर्ड भी है इसके अंदर परफॉर्मेंस कंडीशन भी है इसके अंदर परफॉर्मेंस क्राइटेरियन भी है सो वी मे से दैट दिस इज अ वेरी गुड परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव अगले पे चलते हैं द थर्ड वन द लर्नर्स विल आइडेंटिफाई एट लीस्ट फाइव डिफरेंसेस बिटवीन पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन नाइनटीन एंड नाइनटीन बाय यूजिंग द टेक्स्ट बुक सोचें कि ये जो अंडरलाइंट चीजें हैं इससे क्या मुराद है ये क्यों ये अंडरलाइन चीजें जो हैं हाउ आर दे मेकिंग दिस ऑब्जेक्टिव अ गुड परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव एंड हाउ दिस ऑब्जेक्टिव इज डिफरेंट फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव विच वी लिस्टेड इन द स्टार्ट ऑफ द लेसन बहुत सिंपल बात यह है कि इसके अंदर परफॉर्मेंस स्टेटमेंट भी है साथ में क्राइटेरियन भी है एटलीस्ट फाइव डिफरेंसेस क्राइटेरियन इज वेरी क्लियर आगे देखते हैं बाय यूजिंग द टेक्स्ट बुक कि बच्चा जो है वो जबानी अपनी मेमोरी से नहीं यूज कर रहा अपनी मेमोरी को यूज़ करके डिफरेंसेस नहीं आइडेंटिफाई कर रहा बल्कि टेक्स्ट बुक को यूज करके फाइव डिफरेंसेस बता रहा है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 73 और 56 के अगर आपका ख्याल ये है कि बच्चे को अपनी मेमोरी से करना चाहिए तो आप जस्ट एड वर्ड रिकॉल

लिस्ट डाउन सर्टन एग्जाम्पल्स सो दैट यू कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव और उसके बाद आप अपने ओन पे लिख भी सकें क्योंकि अगर आप मेरे सामने बैठे होते तो मैं आपको कहती प्रैक्टिस करें आप प्रैक्टिस नहीं करें तो मैंने क्या किया है कि जो मेरे स्टूडेंट्स uh, जिनको मैं कोर्स ये पढ़ाती हूँ उन लोगों को जो मैंने कहा कि आप परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव लिखें उन्होंने जो एग्जाम्पल्स दी मैंने वो वाली एग्जाम्पल्स यहाँ पर लिख ली हैं and now i am trying to explain them to you so that you actually uh, understand the concept of performance objective and you, uh, you are actually able to write them. Aage hain. Do the next one is the learners will locate any country on world map when latitude and longitude values are given. Pehle aapko objective tha, jiske likha tha, the learners will locate countries on the world map. यहां पर क्या है उसके अंदर अच्छी चीज ये थी कि परफॉर्मेंस स्टेटमेंट जरूर थी एक्शन वर्ड्स जरूर यूज हुए हुए थे लेकिन ना तो कंडीशन थी ना क्राइटेरियन था यहां पे हम देख रहे हैं कि यहां पे क्राइटेरियन भी है क्राइटेरियन का मतलब है एनी कंट्री कि आप स्पेसिफिकली ये नहीं कि पाकिस्तान लोकेट कर पाए या इंडिया लोकेट कर पाए या यूएस लोकेट कर पाए बल्कि उनको तो इस काबिल हो जाना चाहिए कि वेन एवर दे आर गिवन एनी वैल्यू ऑफ

And a criterion is that they should be able to identify any country. So is a performance objective hai because it has action word, it has condition, and it has criterion. Last one. Ki chalte hai. It is very tricky, it is very confusing. Let's see. The learners will draw and label accurately at least five parts in human digestive system independently. आमतौर पे जब हम बच्चों को uh, स्कूलों में एग्जाम्स में पर्टिकुलरली सवाल देते हैं तो उसको कहते, बच्चों को कहते हैं कि एक्सप्लेन समथिंग विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। एक तो ये चीज दी होती है दूसरा ऊपर लिखा होता है साइंस के सवालों में कि ड्रॉ अ डायाग्राम हुए दीज आर वेरी वेग इंस्ट्रक्शंस हमें और हम जब क्लास के अंदर ये तो एग्जाम्स की बात है जब हम क्लास के अंदर पढ़ा रहे होते हैं हम बच्चों से कहते हैं कि अच्छा बच्चों ये आपने डायग्राम बनानी है हमें एग्जैक्टली exactly नहीं पता होता कि डायग्राम जब हम बच्चों से कह रहे हैं कि बनानी है तो हम उनसे क्या चाहते हैं बच्चे हमारे से पूछ रहे होते हैं मिस डायग्राम बनानी है तो लेबल भी करनी है क्या हम उसको कहते हैं कि भाई डायग्राम बगैर लेबलिंग के कौन सी होगी आपको लेबल करना है ये हम उस वक्त उनके ऊपर थोड़ा सा गुस्सा कर रहे होते हैं या हमें ये लग रहा होता है कि बच्चे को ये भी नहीं पता हमें एक्चुअली अपने लेसन प्लान के अंदर खुद पता होना चाहिए कि हम एग्जैक्टली exactly स्टूडेंट से क्या चाह रहे हैं वट परफॉर्मेंस आर वी एक्सपेक्टिंग फ्रॉम आर स्टूडेंट्स एंड वट इज द मिनिमम एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ दैट परफॉर्मेंस जब हमें ये खुद क्लियर होगा देन वी विल बी एबल टू कम्युनिकेट दैट टू आवर स्टूडेंट्स क्लियरली फिर ये बच्चे सवाल जवाब इस तरह के नहीं करेंगे और ना हम फ्रस्ट्रेट होंगे देखते हैं दोबारा से कि इसके अंदर ये इट्स अ वेरी गुड परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव जिसके अंदर ये लिखा है द लर्नर्स विल ड्रॉ एंड लेबल एक्यूरेटली एटलीस्ट फाइव पार्ट्स इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इनडिपेंडेंटली कि बच्चों से हम ये कह रहे हैं कि आपने एक तो डायग्राम बनानी है डायग्राम बनाने के बाद आप लोगों ने उसको लेबल भी करना है और साथ में हम बच्चों से ये भी कह रहे हैं कम अज कम पांच पार्ट्स क्लियरली एक्यूरेटली लेबल होने चाहिए पांच से ज्यादा क्विक करे बहुत अच्छा है लेकिन ये एक मिनिमम लेवल है एक्सेप्टेंस का कि अगर पांच से कम किए हैं इसका मतलब यह है कि आप को जो भी मैंने काम आपसे कहा था वो आपको समझ नहीं आई है या यू आर अनएबल टू डू दैट और फिर एक और इंपॉर्टेंट चीज है कंडीशन की इनडिपेंडेंटली क्योंकि जब हम बच्चों से कहते हैं ना कि ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम वट डू स्टूडेंट्स डू दे कॉपी दैट फ्रॉम देअर बुक और दे कॉपी दैट फ्रॉम अ चार्ट दैट इज देयर ऑन द वॉल ऑफ द क्लास तो क्या ये कॉपिंग करवा कॉपी करवाना है या ये एक्चुअली बच्चों को काबिल बनाना है कि वो ड्रॉ करें तो जो हम कंडीशन लगाएंगे वो हमें बताएगी कि आर वी आस्किंग देम टू कॉपी फ्रॉम द बुक अगर बुक से कॉपी करवाना है तो हम ये लिख देते हैं द लर्नर्स विल ड्रॉ एंड लेबल एक्यूरेटली द डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बाय यूजिंग देयर टेक्स्ट बुक तो ये जो कंडीशन है वो हमें बता रही होती है कि हम वो काम कहाँ पे करवाना चाह रहे हैं और कैसे करवाना चाह रहे हैं तो ऐसा होता है कि जब हमने बच्चों को कह दिया कि आप ड्रॉ करें डायग्राम आई हैव सीन इट इन मैनी क्लासेस बच्चों से कह देते हैं कि डायग्राम्स ड्रॉ करो बच्चे शुरू हो जाते हैं डाग्राम्स ड्रॉ करने कुछ बच्चे अपने जहन से इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो जब देखते हैं कि कुछ बच्चों ने बुक्स खोली हुई हैं वो शिकायतें लगानी शुरू कर देते हैं कि टीचर ये बच्चा बुक से देख रहा है फिर हम कहते हैं कि क्यों खोली है किताब भाई हमने उनको बताया ही नहीं था ना हमें खुद पता था कि हम उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं सो यू नो ऑब्जेक्टिव आर इंटेंट ऑफ टीचिंग हमने बच्चों को हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या है एंड परफॉर्मेंस आर एक्ट Uh, performance objectives are precise statements of our expectations. So, precise statements include three important elements they are performance, which makes use of an action word, the second one is condition, the third one is uh, criterion. So, performance objectives are written by using these three important elements. अब नजर डालते हैं कि परफॉर्मेंस ऑबजेक्टिव की कुछ लिमिटेशन्स भी होती हैं वो लिमिटेशन क्या हैं अभी तक तो यही लग रहा था ना कि अगर हमने परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव लिख लिए हैं तो इसका मतलब यह है कि हम बहुत अच्छा पढ़ा लेंगे और एक अच्छा लेसन देने के लिए परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स को सही तरीके से लिखना बहुत ज़रूरी है लेकिन हर चीज की तरह इसकी भी कुछ अपनी लिमिटेशंस है क्या लिमिटेशंस हैं पहली लिमिटेशन तो ये है कि हमें ये जानना जरूरी है कि ऑब्जेक्टिव हैल्व मतलब ये कि इनका बहुत छोटा सा स्कोप है सिर्फ लेसन के की हद तक उसके बियॉन्ड नहीं है दे आर नॉट एन एंड देम हमें उन्हीं को उन्हीं को अचीव नहीं करना बल्कि हमने इनकी मदद से अल्टीमेटली कुछ और अचीव करना है तो ये एक अगर हमें अंडरस्टैंडिंग हो तो हम बेहतर तरीके से पढ़ा सकते हैं एक और इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि टीचर्स कैन कंस्ट्रक्ट टेक्निकली वेरी साउंड एक्यूरेट ऑब्जेक्टिव बट दे माइट फेल कंप्लीटली इन क्लास सो इफ यू आर एबल टू राइट वेरी गुड परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव एक्यूरेट परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दे आर नॉट गसफुल टीचिंग इन क्लास रूम अभी तक की गुफ्तु से हमें यही लग रहा था ना कि अगर परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव अच्छे बन गए हैं इसका मतलब ये है कि हम बहुत अच्छा पढ़ा लेंगे बहुत अच्छा फीडबैक दे लेंगे स्टूडेंट्स को सब कुछ अच्छा हो जाएगा ऐसा नहीं है लेसन प्लानिंग के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि आपको एग्जैक्टली exactly पता हो कि आपने क्लास के अंदर बच्चों से क्या एक्सपेक्ट करना है किन कंडीशन के अंदर एक्सपेक्ट करना है और कितना मिनिमम एक्सपेक्ट करना है इसका अन्य मतलब नहीं है कि आप क्लास के अंदर जब जाएंगे तो ऑटोमेटिकली सारा कुछ ठीक हो जाएगा इफ़ यू वॉन्ट टू बी एन इफेक्टिव टीचर यू रियली नीड टू लर्न डिफरेंट टीचिंग स्किल्स आपको ये पता होना चाहिए कि बच्चों के क्वेश्चन को आप कैसे हैंडल करेंगे आपको ये पता होना चाहिए कि क्लासरूम रिसोर्सेज को कैसे ऑर्गेनाइज करना है मैनेज करना है और कैसे उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको ये भी पता होना चाहिए कि हाउ चिल्ड्रन लर्न एंड हाउ यू आर गोइंग टू फैसिलिटेट दम इन देयर लर्निंग आपको फीडबैक के तरीके आने चाहिए आपको असेसमेंट की स्ट्रेटेजीज आनी चाहिए तो इफ कि क्लास के अंदर सक्सेसफुल होने के लिए ऑब्जेक्टिव्स खाली आने अच्छे आने काफ़ी नहीं है ऑब्जेक्टिव्स को अच्छा फ्रेज करने से आपको फ़ायदा ये हो जाता है कि आप उसके हिसाब से अपना जो भी लेसन प्लान करना है जो स्ट्रेटजीज आइडेंटिफाई करनी है जो रिसोर्सेज आइडेंटिफाई करनी है उसमें आपकी सहूलत हो जाती है यू बिकम वेरी क्लियर

इसके अंदर जो बार बार हमने फोकस किया वो ये था कि परफॉर्मेंस स्टेटमेंट जो है उसके अंदर हमने यूज करना है एक्शन वर्ड को एक्शन वर्ड कौन सा जो कि बिहेवियरल फॉर्म के अंदर है जो कि एग्जैक्ट शो कर रहा है आपका कौन सा बिहेवियर है तो हम अगर ये वाली बात करते हैं इसका मतलब ये है कि हमारा अंडरलाइंग एजम्पन ये है कि लर्निंग इज चेंज इन बिहेवियर क्या ये बात दुरुस्त है क्या हर लर्निंग जो है उसका ताल्लुक बिहेवियर चेंज के साथ है या नहीं है बहुत दफा ऐसा होता है कि आप बहुत अच्छी डिस्कशन सुन रहे होते हैं आपके जहन में बहुत सारी बातें आ रही होती हैं आपका दिमाग एक्चुअली उस वक्त बहुत सारा कुछ सोच रहा होता है और वो सारी चीजें एबजॉर्ब कर रहा होता है बट यू डू नॉट अटर इवन अ सिंगल वर्ड इसका क्या मतलब है कि आपकी लर्निंग नहीं हुई अगर हम लर्निंग को बिहेवियरल फॉर्म्स के अंदर ही देख रहे हैं हम बार बार यूज कर रहे हैं एक्शन वर्ड्स तो क्या इसका मतलब ये है कि लर्निंग का ताल्लुक चेंज इन बिहेवियर से ही है ऐसा नहीं है ये एक अजम्प्शन ज़रूर हो जाता है इसी वजह से कहा जाता है कि परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव की ये एक लिमिटेशन है लिमिटेशन इस तरीके से है कि ये हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है लर्निंग के हवाले से उसको लिमिट करते हैं अगला जम्शन देखते हैं कि लर्निंग कैन बी मयर्ड अगर हम परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स लिख रहे हैं तो एक्शन वर्ड को हम क्यों फोकस करते हैं इसलिए ताकि हमें एग्जैक्ट हम मयर कर सकें कि क्या वो लर्निंग हुई है या नहीं हुई सो वी बिलीव दैट लर्निंग कैन बी मयर्ट आई गो बैक टू द एग्जाम्पल विच आई है अगर एक बच्चा जो है उसने कुछ अच्छी डिस्कशन सुनी और उसने कुछ नहीं बोला इसका मतलब यह है कि हम लर्निंग को मयर ही नहीं कर रहे तो क्या लर्निंग नहीं हुई आप बच्चे जो हैं या आप भी कोई अच्छी कहानी पढ़ रहे हैं या कोई नावल पढ़ रहे हैं डेफिनेटली यू अंडरस्टैंड मैनी थिंग्स एंड यू लर्न मैनी थिंग्स लेकिन उसको कोई मयर नहीं कर रहा इसका क्या मतलब है कि लर्निंग नहीं हुई लर्निंग हुई है लेकिन परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव हम जब भी लिख रहे होते हैं हमारा ये एज हो जाता है कि लर्निंग कैन बी मायर्ड परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव लिखना जरूरी है खास तौर पे व्हेन यू आर गोइंग टू स्टार्ट योर टीचिंग आप टीचिंग को एज अ करियर स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं इनिशियल स्टेजेस के अंदर इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू डिवेलप अ स्किल इन राइटिंग परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स लेकिन आपको इन लिमिटेशंस का पता होना चाहिए आप ऑब्जेक्टिव जरूर लिखें लेकिन आप ये जरूर इंश्योर करें कि अगर कोई बच्चा जो है कुछ ऐसी चीजें कर रहा है जैसे कि अभी मैंने एग्जाम्पल दी शॉर्ट स्टोरी पढ़ने की नॉवल पढ़ने की तो आप ये ना कहें कि अगर आपने मैयर नहीं किया तो उनकी लर्निंग नहीं हुई यू नीड टू अप्रिशिएट द प्रोसेस ऑफ रीडिंग अगर कोई पढ़ रहा है यू नीड टू अप्रिशिएट दैट कि हाँ इसने किया है यकीनन इसके नतीजे में कुछ लर्निंग हुई होगी दो अ टीचर आई एम नॉट एबल टू मयर लर्निंग कैन ऑलवेज बी माय लास्ट एजम्पन के ऊपर नजर डालते हैं जो कि है ऑब्जर्व लर्निंग आउटकम इज डायरेक्टली लिंक टू द टीचिंग स्ट्रेटेजी द कॉन्टेंट और मीडिया यूज इसके अंदर हम एज्यूम कर रहे होते हैं कि हमने जो भी बच्चा जो है वो लर्न कर रहा है एक्चुअली दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन टीचर्स टीचिंग द कॉन्टेंट दैट इज गोइंग टू बी टॉट द रिसोर्स आर यूज एंड द टीचिंग स्ट्रैटेजी इसके अंदर हम बाकी के फैक्टर्स को बिल्कुल डिनाई कर देते हैं कि बच्चे का प्रायर नॉलेज क्या है बच्चे का जो उसका बैकग्राउंड क्या है बैकग्राउंड की जब हम बात करते हैं तो उससे मुराद ये कि उसके सिबलिंग्स कितने हैं क्या घर के अंदर कोई बड़ा बच्चा है जो कि स्कूल जाता है ये एक बहुत आ, फैक्ट है कि जिस घर के अंदर बच्चे ज़्यादा होते हैं जो आ, फ, अगर एक बच्चा पैदा हुआ है उसके कोई सिबलिंग है वो बच्चा जल्दी बोलना शुरू करता है उस बच्चे की नस्बत जो कि पहला बच्चा है घर के अंदर और लोग नहीं हैं सिर्फ माँ बाप ही हैं बोलने वाले तो इन चीज़ों का इफ़ेक्ट होता है और लर्निंग e के ऊपर भी इफेक्ट आ रहा होता है लेकिन जब हम परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव लिख रहे होते हैं उसके अंदर हम इन सारे फैक्टर्स को एक्चुअली uh, एलिमिनेट कर देते हैं हम ये कहते हैं कि जो भी लर्निंग होगी इट वुड डिपेंड ओनली ऑन टीचिंग स्ट्रेटी टीचिंग कॉन्टेंट एंड द टीचिंग रिसोर्सेस तो क्लास को हम एक किस्म का आइसोलेशन में देखना शुरू कर देते हैं सो अगेन आई वुड से दैट डू राइट परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव डिलप योर स्किल्स इन राइटिंग परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव बट डू टेक इन टू अकाउंट दीज लिटेश डू नॉट इग्नोर दीज लिमिटेशन और इनको आपके जहन में होंगी तो आपको ये पता होगा कि जब भी बच्चा जो है अगर क्लास के अंदर सही परफॉर्म कर पा रहा है तो ये मत समझिए कि सिर्फ और सिर्फ आपकी टीचिंग की, की वजह से है उसका उसकी रीजन कुछ और भी हो सकती हैं इसी तरीके से अगर कोई बच्चा एक लेवल के ऊपर नहीं परफॉर्म कर पा रहा तो उसकी रीजंस डिफरेंट हो सकती हैं उसकी रीजंस कतन ये नहीं है कि आपकी स्ट्रेटजी ही खराब है डायवर्सिटी कुड बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रीजन इन ऑल दीज अब आगे देखते हैं कि हमारे पास जो परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स हैं इनका ताल्लुक करिकुलम के साथ क्या है करिकुलम अलाइनमेंट क्या है करिकुलम अलाइनमेंट को जानने से पहले हम ये देखते हैं कि करिकुलम की फाउंडेशन्स क्या होती हैं सो करिकुलम फाउंडेशन देर आर फोर बेसिक स्टेप्स इन करिकुलम ये आप अपने करिकुलम के कोर्स में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे लेकिन यहाँ पे क्योंकि इसका ताल्लुक करिकुलम अलाइनमेंट के साथ है दैट्स वाई करिकुलम के अंदर जब भी कर, करिकुलम प्लान हो रहा होता है तो उसके फोर बेसिक स्टेप्स हैं द फर्स्ट स्टेप इज वट इज द पर्पज ऑफ एजुकेशन दिस इज द फर्स्ट स्टेप अगर आपने ये तय कर लिया है कि पर्पज क्या है द नेक्स्ट वन इज विच एजुकेशनल विल अटेन द परपज यू नीड टू आइडेंटिफाई दोज एजुकेशनल द थर्ड वन इज हाउ कैन दीज एक्सपीरियंसिस बी इफेक्टिवली ऑर्गेनाइज एंड द लास्ट वन हाउ कैन वी डिटर्मिन वन द परपज आर मेट अब हमने ये कहा कि ये तो चार पर्पजेज हैं स्टेप्स हैं जो ये एक्चुअली जो मैंने बताया है ये टाइलर मॉडल है और टाइलर मॉडल जो है उसी की ही एक्सटेंशन है जो हम परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव के ऊपर बात कर रहे थे इसी जिस तरह से हमने परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव की लिमिटेशन को आइडेंटिफाई किया उसी तरीके से टाइलर मॉडल की भी लिमिटेशन है जिनको बहुत डिटेल में डिस्कस किया गया है अभी हमने बात करनी है करिकुलम अलाइनमेंट वेन एवर वी आर गोइंग टू पेक परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव दे शुड भी अलाइंड करिकुलम करिकुलम के अंदर ये चीजें हैं हमारे ऑब्जेक्टिव जो है उनका इनके साथ ताल्लुक होना चाहिए अगर आपका object, जो पर्पज है एजुकेशन का वो ये है कि बच्चों को दे शुड बी एम्पावर्ड सिटीजनस तो आपके जितने भी ऑब्जेक्टिव होंगे उसके अंदर अफेक्टिव डोमेन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होगी इंक्लूड समथिंग फ्राम अफेक्टिव डो मेन इन योर लेसन इन रूटीन क्योंकि अगर आपका पर्पज एम्पावरमेंट है तो वो कैसे आप एक दिन के अंदर तो बच्चों को एम्पावर नहीं कर सकते जैसा कि अभी हमने देखा था कि ऑब्जेक्टिव आर नॉट एन एंड देम सेल्व दे आर मीन्स टू अटन एंड तो करिकुलम हमें बताता है कि वो एंड क्या है वो पर्पज क्या है एजुकेशन का सो so, अगर एम्पावरमेंट ये ऑब्जेक्ट परपज़ uh, है दैट इज एन एंड तो हमें हर लेसन के अंदर चाहे प्री स्कूल से हम स्टार्ट कर रहे हैं के जी वन टू थ्री सब में ऑब्जेक्टिव आहिस्ता आहिस्ता आता आहिस्ता हमने इस परपज़ को मीट करने के लिए बनाने हैं तो जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स होंगे दे शुड बी अलाइंड विद दैट परपज़ अफेक्टिव डोमेन की मैं बात कर रही थी एम्पावरमेंट की बात कर रही थी तो उसके अंदर आपने जब परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव लिखें ट्राई टू यूज़ द वर्ड इंडिपेंडेंटली एम्पावरमेंट के लिए इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरी चीज़ है तो आपके ऑब्जेक्टिव जो हैं वो ऐसे हों कि जहाँ पे बच्चे इंडिपेंडेंट काम करना सीखें दे आर एबल टू परफॉर्म इंडिपेंडेंटली एक और परपज़ के ऊपर नज़र डालते हैं कि आपका अगर पर्पज़ ये है कि बच्चे जो हैं वो एक्टिव सिटीजन्स बने एक्टिव सिटीजन्स क्या होते हैं

बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो ये होगी कि आप बच्चों को ग्रुप्स के अंदर काम करना सिखाते हैं उसमें कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन सिखाते हैं ताकि बच्चे जब एक्टिव सिटीजन बनेंगे उनके अंदर वो चीजें शामिल होंगी दे वुड बी मोर पेशेंट दे वुड बी गुड लिसनर्स, दे वुड बी गुड क्वेश्चनर्स तो ये चीजें जो हैं आप राइट फ्रॉम द स्टार्ट यू स्टार्ट टीचिंग देम दीज थिंग्स तो आपके परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स का ताल्लुक आपके अल्टीमेट परपज के साथ जरूर होना चाहिए कोई भी आप अब हम इसको थोड़ा सा नैरो डाउन करते हैं एक तो है आपका अल्टीमेट जो एजुकेशन का है फिर हम जब करिकुलम की बात कर रहे हैं तो आपके पास सब्जेक्ट वाइज करिकुलम भी आ जाता है आपका अगर अंग्रेजी का करिकुलम है कि बारहवीं जमात के बाद चिल्ड्रन विल बी एबल टू राइट रिपोर्ट्स स्टूडेंट्स विल बी एबल टू राइट ऑर्ग्यूमेंटेटिव एसेस दे विल बी एबल टू राइटिव राइटिंग जो भी आपके पास उसके अल्टीमेट गोल्स आइडेंटिफाइड है तो आपके हर ग्रेड लेवल के जो गोल्स होंगे दे शुड बी इन लाइन विद अल्टीमेट गोल्स फॉर ग्रेड लेवल ट्वेल्व के बारहवीं जमात तक का जो करिकुलम है उसके साथ आपके ग्रेड लेवल वन टू थ्री फोर वो सबके सब इन लाइन हों एक तो ये अलाइनमेंट आ जाएगी उसके बाद आ जाएगी आपकी परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव की अलाइनमेंट अब परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव की कैसे अलाइनमेंट होगी अगर आपका है जिस तरह से मैंने अभी बताया कि बच्चे जो हैं दे विल बी एबल टू डू रिपोर्ट राइटिंग आप ग्रेड लेवल वन से कैसे स्टार्ट करेंगे या प्री स्कूल से कैसे स्टार्ट करेंगे सबसे पहली जो चीज़ होगी वो ये कि आप बच्चों को लिखना सिखाएं जब तक अल्फाबेट से लिखने नहीं आएंगे परसुएसिव राइटिंग वगैरह तो दूर की बात है ना तो वो हैंड राइटिंग से स्टार्ट होगा हैंडराइटिंग एंड राइटिंग बोथ आर डिफरेंट लेकिन अगर हम अल्टीमेट की बात कर रहे हैं तो आपके जो लेसन हैं डिफरेंट ग्रेड लेवल्स के ऊपर उनकी अलाइनमेंट की बात करेंगे तो हैंड राइटिंग प्री स्कूल के लिए इंपॉर्टेंट चीज आ जाएगी या ग्रेड लेवल वन के लिए भी इम्पॉर्टेंट होगी फिर वो फिक्रे बनाने शुरू करेंगे सेंटेंसेस लिखने शुरू करेंगे फिर मे भी कि ग्रेड लेवल थ्री फोर के अंदर जाके यू विल आस्क देम टू राइट डिस्क्रिप्शन ऑफ सर्टन थिंगस कोई इवेंट्स को डिस्क्राइब करें कुछ ईवेंट्स को रिपोर्ट करें आहिस्ता 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 आता ग्रेड लेवल ट्वेल्व तक जाके वो काम करने के एग्जैक्ट काबिल हो जाएंगे पर अगर आपने बच्चों को बारह साल तक कुछ नहीं पढ़ाया डेफिनेटली दे विल नॉट बी एबल टू राइट अ रिपोर्ट सो हमारे जो परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव होते हैं वी नीड टू अलाइन देम विद द करिकुलम करिकुलम एट डिफरेंट लेवल्स करिकुलम ऑफ द ईयर, साल के जो एंड के गोल होते हैं उसके साथ भी अलाइन करना है हमने और उसके बाद आपने उसको जो ब्रॉडर गोल्स हैं स्कूल के गोल्स हैं उनके साथ भी अलाइन करना है तो एक फिर डालते हैं जो हमारे स्टेप्स थे करिकुलम के हवाले से इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है विच एजुकेशनल विल अटेन द पर्पसेस, जिस तरीके से ब्रॉडर करिकुलम के लिए इंपॉर्टेंट है एजुकेशनल एक्सपीरियंसिस को आइडेंटिफाई करना उसी तरीके से इम्पॉर्टेंट है एक सिंगल लेसन के अंदर आइडेंटिफाई करना कि कौन से एजुकेशनल एक्सपीरियंसिस हैं जो कि अल्टीमेट परपज़ को पूरा करेंगे लेसन के लेवल के ऊपर अल्टीमेट परपज इज़ अटेनिंग द ऑब्जेक्टिव अटेनिंग द परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव और बिगर लेवल के ऊपर हमारे पास अल्टीमेट करिकुलम uh, के जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं गोल्स हैं एम्स हैं हमें उनको अचीव करना होगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल एक्सपीरियंसिस इज इम्पॉर्टेंट रेलिवेंट आइडेंटिफिकेशन अगली बात करते हैं कि उनको हमने ऑर्गेनाइज कैसे करना है जब हम लेसन बना रहे होते हैं अगर हमारे पास परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव लिखे हुए हैं हमने ये बता दिया कि हम बच्चों को ये वाले एक्सपीरियंसेस देंगे तो हमें उन एक्सपीरियंसेस को ऑर्गेनाइज भी करना है उनको सीक्वेंस भी करना है ताकि वो अल्टीमेट पर्पस को सर्व कर सकें इसकी मिसाल हम ले लेते हैं कि अगर हमने बच्चों को साइंस का कोई काम करवाना है और हमने उनको एक्सपीरियंस देना है कि वो जाके लॉन uh, के अंदर जाके अपना कोई भी चीज़ जो है उसको रिकॉर्ड कर सके तो हमें ये एक्सपीरियंस यहाँ पर देना है इसका मकसद क्या है परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव को मीट करना जो भी टीचर ने लिखा होगा करिकुलम के साथ ये कैसे अलाइन है जो साइंस का करिकुलम है उसके अंदर लिखा हुआ है कि बच्चे जब बारहवीं जमात तक पढ़ लेंगे साइंस या दसवीं जमात तक तो दे शुड बी एबल टू ऑब्जर्व प्रिडक्ट एनफर एंड हाइपोथेसाइज अब ये चीजें एक दिन में नहीं आएंगी आपके परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स के अंदर ये हो लिखा हुआ कि बच्चे जो हैं वो जाकर कुछ ना कुछ रिकॉर्ड कर सकेंगे इन द लॉन कंडीशन भी आप देंगे मिनिमम क्राइटेरिया भी देंगे और परफॉर्मेंस भी लिखेंगे अब ये जो ऑब्जेक्टिव है इट इज डायरेक्टली इन लाइन विद द अल्टीमेट आउटकम ऑफ साइंस इसी के साथ साथ जो आपका एक्सपीरियंस है लॉन में लेकर जाना वो एक एक्सपीरियंस नहीं होगा अल्टीमेट के लिए लेकिन आपके एक लेसन के लिए वो वाला जरूर एक एक्सपीरियंस होगा मे बी आपको ये सारी बातें थोड़ी सी डिफिकल्ट लग रही हूं लेकिन जब आप करिकुलम का कोर्स पढ़ेंगे देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू अलाइन परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव विद द करिकुलम करिकुलम डिफरेंट लेवल्स के ऊपर ऑर्गेनाइज हुआ होता है एक ब्रॉडर लेवल है और फिर एक आ, आप कह लें ग्रेड वाइज लेवल है तो आप जैसा कि मैंने पहले बताया कि आपके जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो ग्रेड वाइज ग्रेड वाइज लेवल को भी मीट कर रहे होंगे और वो अल्टीमेट को भी मीट कर रहे होंगे हम बात कर रहे थे एक्सपीरियंसेस की तो एक्सपीरियंसेस को ऑर्गेनाइज करना भी इम्पोर्टेंट है एक तो ये है कि आप एक्सपीरियंसेस बच्चों को प्रोवाइड करेंगे आपने सोच लिया कि बच्चों को आपने ऑब्जर्वेशन का एक्सपीरियंस देना है ऑब्जर्वेशन को ऑर्गेनाइज कैसे करना है कि आप बच्चे को बताएं कि पहले आपने ऑब्जर्व करना है फिर उसको रिकॉर्ड करना है आप पहले रिकॉर्डिंग नहीं कह सकते कि आप पहले रिकॉर्ड करो बाद में ऑब्जर्व करो बाद में इन्फर करो ऐसा नहीं होगा एक जो एक सीक्वेंस है प्रॉपर आप बच्चे से कहोगे वो वाला फॉलो करें दैट इज अगेन वेरी मच इंपॉर्टेंट जो चौथी चीज है करिकुलम के स्टेप्स के हवाले से हम बात कर रहे थे वो ये कि हाउ कैन वी डिटर्मिन वेन दर्पजेज आर मेट असेसमेंट की बात है कि आप असेस कैसे करेंगे कि क्या वाकई ही में आपने वो अल्टीमेट गोल्स अचीव कर लिए हैं या नहीं किए हम आ जाते हैं परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव के ऊपर कि आपने जो कुछ भी असेस करना है दैट शुड बी अंगेज परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स जो आपने स्टेटमेंट्स लिखी हैं जो कंडीशंस लिखी हैं जो आपने मिनिमम क्राइटेरियन uh, लिखा है आपने बच्चों की परफॉर्मेंस को उसी के अंगेंस्ट असेस करना है फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ये लिखा है कि बाय द एंड ऑफ द लेसन स्टूडेंट्स विल बी एबल टू ड्रॉ अ राइट एंगल ट्रायंगल विद द हेल्प ऑफ अ प्रोटेक्टर मीटिंग रेशियो थ्री फोर फाइव तो बच्चे को आपने इसी पे असेस करना है आप ये नहीं कह सकते कि बच्चा जो है वो अब कंपस के साथ भी वो वाली बनाएगा तो मुझे पता चलेगा कि हाँ इस बच्चे को आ गया है वो एक सेकंड लेसन का तो ऑब्जेक्टिव हो सकता है इस एक लेसन के अंदर जहाँ पे आपने ये ऑब्जेक्टिव लिखा है आपने बच्चे को असेस इसी ऑब्जेक्टिव के अंगेस्ट करना है और अगर वो बच्चा आपको बना कर दे देगा आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये बच्चा जो है इसने ये वाली बात समझ ली है और इसने ये ये करने के काबिल हो गया है अब हम बात करते हैं कि इसको आप मैथ के अल्टीमेट गोल के साथ कैसे अलाइन करेंगे तो मे बी एक अल्टीमेट ये है कि बच्चा जो है उसको ज्योमेट्रिकल सिंपल ज्योमेट्रिकल फिगर्स बनानी आ जाए प्रोटेक्टर के साथ भी कंपस के साथ भी वो उसका अल्टीमेट है लेकिन आपने अपने एक सिंगल लेसन के अंदर इस चीज़ को किया नेक्स्ट लेसन के अंदर आप किसी और की तरफ जाएंगे अल्टीमेट के अंदर उसकी असेसमेंट कैसे आप करेंगे मे बी टेस्ट दे के बच्चे को कि आपने बच्चे को एक टेस्ट दिया है और उसको कहा है कि आप ड्रॉ करो कोई चीज इसका मतलब ये हुआ कि हमने बच्चे को टेस्ट किया टेस्टिंग का बिल्कुल मतलब ये नहीं है कि बच्चे को आपने कोई मार्क्स देने हैं या ग्रेड्स ही देने हैं इट इज एन असेसमेंट स्ट्रेटजी दैट इज यूज टू असेस इफ पीपल्स आर एबल टू डू समिंग राइटिंग भी हो सकती है रीडिंग भी हो सकती है तो इसको हम आमतौर पर टेस्टिंग बोलते हैं So, अभी तक हमने ये देखा कि करिकुलम अलाइनमेंट क्या है परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव के लिए जब भी आप सोचेंगे आपके पा, आपके जहन में अल्टीमेट जरूर होना चाहिए अल्टीमेट आउटकम शुड बी देयर इन योर माइंड एंड वेन एवर यू आर प्लानिंग योर परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव यू नीड टू एंश्योर दैट यू हैव करिकुलम डॉक्यूमेंट विथ यू क्योंकि जब तक आपके पास करिकुलम डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो तब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि एक्चुअली आप बच्चों से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं अल्टीमेटली इसकी मैं एक मिसाल ये दे देती हूँ कि मे बी कि आप, आपका ख्याल है कि फार्मिंग इज़ अ वेरी गुड थिंग और बच्चों को आनी चाहिए आपने अपने बच्चों को बहुत अच्छी फार्मिंग टेक्निक सिखा दी एंड दे आर वेरी गुड इन यूजिंग दो टेक्निक्स और उससे उन्होंने पूरे स्कूल का हुलिया ही बदल दिया बहुत ग्रीनरी होगी आपके स्कूल के अंदर करिकुलम डॉक्यूमेंट का होना आपके पास इसलिए जरूरी है ताकि ना तो आप खुद मिसलीड हों और ना ही बच्चों को मिसलीड करें तो आज का जो हमारा लेक्चर था इसके अंदर हमने कोशिश की कि हम परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव के करेक्टरिस्टिक्स को डिटेल में डिस्कस करें जिसके लिए मैंने कुछ एग्जाम्पल्स आइडेंटिफाई की जिनको बहुत डिटेल के अंदर हमने एलेबोरेट किया टू डिवेलप आवर अंडरस्टैंडिंग अबाउट परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव हमने परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स की लिमिटेशंस को भी डिस्कस किया और एंड के ऊपर जो बात हमने की वो थी कि करिकुलम परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव शुड बी विद द करिकुलम। एक नजर डाल लेते हैं अपने आज के लेक्चर ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर कि क्या हमने वो अचीव किए या नहीं सो आवर लेक्चर ऑब्जेक्टिव वर दैट बाय द एंड ऑफ द लेक्चर यू विल है आइडेंटिफाइड थ्री नेसेसरी एलिमेंट्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स,

ये लिमिटेशन है परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव की आपने ये लेक्चर सुना है देखा है मुझे यकीन है कि आपकी लर्निंग हुई होगी इस बिलीफ के साथ मैं ये वर्ड कॉन्फिडेंटली यूज कर रही हूं कि यू हैव यू विल हैव अंडरस्टूड दीज थिंग्स थैंक यू वेरी मच खुदा हाफिज टिल द नेक्स्ट लेक्चर